नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। मित्रों, आज हम एक ऐसी समस्या के बारे में बात करेंगे जो बहुत ज्यादा कॉमन है पर आपके लिए खतरनाक साबित हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, मैं यहाँ बात कर रहा हूँ कि यदि आप कोई घर, दुकान, फैक्ट्री या फिर कुछ भी बनवाना चाहते हैं और आप अपनी जमीन पर जाकर देखते हो कि वहां बहुत सारे बड़े बड़े पेड़ उग चुके हैं। अब ऐसे में कई बार लोग यह सोचकर पेड़ कटवा देते हैं कि खुद की जमीन पर पेड़ कटवाने से उन पर कोई कार्रवाई नहीं होगी, क्योंकि उन्हें कानून की प्रॉपर जानकारी नहीं होती है। और फिर होता यह है कि वन विभाग वाले प्लॉट मालिक पर कार्रवाई करते हैं और जमीन मालिक यह सोचता रह जाता है कि यार, मैंने कोई जंगल से पेड़ थोड़ा ना काटे हैं, भाई मैंने तो खुद की जमीन के पेड़ हटाए हैं, तो फिर मेरे ऊपर कार्रवाई क्यों की गई। तो दोस्तों, आज हम इसी चीज को विस्तार में जानेंगे कि यदि आपकी साइट पर पेड़ है और आप उन्हें कटवाना चाहते हो तो आपको कहां से और कैसे परमिशन लेनी होगी, और साथ में यह भी बताऊंगा कि कौन से पेड़ ऐसे हैं जिन्हें आप बिना परमिशन के कटवा सकते हैं। और साथ में आपको यह भी जानने को मिलेगा कि कौन से ऐसे पेड़ हैं जिन्हें कटवाने के साथ साथ एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए भी परमिशन चाहिए होती है, वरना पुलिस आपको परेशान कर सकती है। उसके अलावा इस वीडियो में मैं आपको यह भी बताऊंगा कि यदि आप बिना परमिशन के अपने प्लॉट से पेड़ कटवाते हो तो आप पर कौन से कानून के तहत कितनी कार्रवाई हो सकती है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम यह जानते हैं कि कौन से ऐसे पेड़ हैं जिन्हें आपको कटवाने के लिए वन विभाग से कोई भी परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं है। इसमें भी दो तरह के रूल हैं। पहला, यदि पेड़ का व्यास 1 फीट मतलब 300 mm से कम है तो उस पेड़ को कटवाने के लिए किसी प्रकार की परमिशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। दूसरा आता है कैटेगरी वाइज, जैसे सरकार ने कुछ स्पेसिफिक पेड़ ऐसे बता रखे हैं जिन्हें आप बिना परमिशन के काट सकते हैं। दोस्तों, मैं आपको उन पेड़ों के नाम बताने से पहले यह भी बता दूं कि पेड़ कटवाने के मामले में भारतीय वन संरक्षण अधिनियम 1927 के अलावा राज्य सरकार के कानून भी लागू होते हैं जो हर स्टेट में अलग अलग होते हैं। तो यह भी हो सकता है कि मैं जो यहाँ पर आपको पेड़ों के नाम बता रहा हूँ वो आपकी स्टेट गवर्नमेंट ने उन्हें काटने पर प्रतिबंध लगा रखा हो, इसलिए एक बार आप अपने स्टेट के नियम चेक कर ले, क्योंकि हर स्टेट के नियम और सजा अलग अलग होती है। दोस्तों, मैं यहाँ पर आपको सभी स्टेट के बारे में नहीं बता सकता हूँ, लेकिन फिर भी एक ओवरऑल पिक्चर दे सकता हूँ। यदि आपको अपने पर्टिकुलर स्टेट के नियम जानने हैं तो आप इंटरनेट पर बड़ी आसानी से अपने स्टेट का नाम लिखकर आपके राज्य के वन संरक्षण कानूनों की जानकारी ले सकते हैं। फिर भी मैं आपको एक आइडिया दे देता हूँ कि सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से जनरली कौन से पेड़ कटवाने के लिए परमिशन नहीं चाहिए होती है। दोस्तों, पहला, जो पेड़ घास की कैटेगरी में आते हैं, जैसे अंग्रेजी बबूल हो गया, बांस हो गया आदि। मित्रों, यदि आपको पता ना हो तो 2019 से पहले बांस को भी बिना परमिशन काटना अवैध था, लेकिन कई लोगों का रोजगार बांस पर निर्भर है और बांस आसानी से और बहुत जल्दी भी उग जाता है, इसलिए सरकार ने इसे बिना परमिशन काटना वैध कर दिया है। बाकी कुछ और भी पेड़ ऐसे हैं जो सिर्फ किसानों को काटने की अनुमति है, जैसे पॉपुलर, खमेरा, गुलमोहर, सिल्वर ओक आदि। अब दोस्तों, हम बात करते हैं कि यदि आप बिना वन विभाग की परमिशन के पेड़ कटवाते हुए पकड़े जाते हैं या फिर आपका पड़ोसी वन विभाग में कंप्लेंट कर देता है या पेड़ काटते समय आपका वीडियो बना लेता है तो आप पर किस प्रकार की कार्रवाई हो सकती है। तो मित्रों, वन संरक्षण अधिनियम 1927 के सेक्शन 68 के तहत आपको 6 महीने से लेकर 3 साल तक की कारावास मतलब जेल हो सकती है। पर आपको डरने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यदि आपको इस बात का ज्ञान नहीं है कि जो पेड़ आपने काटा है उसे काटना इलीगल था, तो आप अपना अपराध लिखित रूप में स्वीकार करके वन अधिकारी को कन्विंस कर सकते हैं कि हम जो 5,000 रुपए का जुर्माना है उसे भरने के लिए तैयार है, क्योंकि यह इतना बड़ा मामला नहीं है, हमने जो किया वह अनजाने में किया, आप इसे कृपया कोर्ट में ना लेकर जाए। दोस्तों, यदि वन विभाग वाले आपकी बात से कन्विंस हो जाते हैं तो वह 5,000 रुपए का जुर्माना लगाकर आपका अपराध क्षमा कर सकते हैं। हालांकि दोस्तों, यदि मामला कोर्ट में भी पहुंच जाता है तो वहां पर भी ज्यादातर संभावना यह होती है कि आप पर जुर्माना लगाया जाए, वह जुर्माना 5,000 रुपए से अधिक भी हो सकता है। पर यदि आपने कोई क्रिमिनल ऑफेंस नहीं किया है तो इस बात की बहुत कम संभावना है कि कोर्ट आपको कारावास की सजा सुनाएगा। अब दोस्तों, मैं आपको कुछ ऐसे पेड़ों के बारे में बता देता हूँ जिन्हें काटने के साथ साथ एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए भी परमिशन चाहिए होती है, वरना आप पर कार्रवाई हो सकती है। उन पेड़ों के नाम हैं साल, सागवान, खैर, चंदन आदि। यह कुछ ऐसे पेड़ हैं जिनके लिए आपको
इन्हें काटने के अलावा एक जगह से दूसरी जगह ले जाने की भी अलग से परमिशन लेनी पड़ती है, वरना पुलिस आपको तस्कर समझकर बहुत परेशान कर सकती है तथा आपके ऊपर कार्रवाई भी की जा सकती है। अच्छा दोस्तों, इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि आप वन विभाग द्वारा भी पेड़ कटवा या उखड़वा सकते हैं। इसके लिए आपको एप्लीकेशन लिखनी होगी और कुछ शुल्क जमा करवाना होगा, तो उसके बाद वन विभाग की टीम आपकी साइट पर आकर पेड़ काटकर या उखाड़कर अपने साथ ले जाएगी। कई लोग जिनकी साइट पर 100-200 पेड़ लगे हुए हैं, वह खुद से पेड़ काटने की बजाय वन विभाग से पेड़ कटवा लेते हैं, क्योंकि दोस्तों वन विभाग के पास पर्याप्त संसाधन होते हैं कि वह बहुत कम समय में आपके सारे पेड़ काट या उखाड़ दे और उन्हें एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट भी कर ले। उसके अलावा दोस्तों मैं आपको एक इम्पोर्टेंट चीज और बता देता हूँ कि मान लीजिए आपकी साइट बहुत बड़ी है और आप कोई फैक्ट्री डालने जा रहे हो और उस साइट पर बहुत ज्यादा मात्रा में पेड़ है जिन्हें उखाड़ने या कटवाने से पर्यावरण पर मेजर इम्पैक्ट आ सकता है। ऐसे में वन विभाग या कोर्ट आपसे 10 गुना या 20 गुना तक पेड़ लगाने का शपथ पत्र ले सकता है और आपको वह पेड़ लगाकर वन विभाग को देने होंगे। और यदि पब्लिक विरोध कर देती है तो सबसे खराब सिनेरियो यह हो सकता है कि कोर्ट उस प्रोजेक्ट पर स्टे भी लगा सकता है। अब दोस्तों लास्ट का टॉपिक बचता है कि हम वन विभाग से पेड़ काटने की परमिशन कैसे ले। तो दोस्तों आपको पेड़ काटने की परमिशन लेने के लिए एप्लीकेशन लिखनी पड़ती है। हालांकि एप्लीकेशन आपको कैसे लिखनी है यह मैं आपको इस वीडियो में नहीं बता सकता, क्योंकि यह वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो चुकी है। पर दोस्तों इस वीडियो के एंड में और डिस्क्रिप्शन में आपको वह वीडियो सजेशन में मिल जाएगी जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि पेड़ कटवाने के लिए एप्लीकेशन कैसे लिखी जाती है। और दोस्तों यदि आपको संदेह है कि आपको परमिशन मिलेगी या नहीं, तो सर इस बात की बिल्कुल चिंता मत कीजिए, क्योंकि दोस्तों एक बार यदि आप वहां जाएंगे तो आपको सब चीज समझ में आ जाएगी। तो दोस्तों मेरी अगली वीडियो जरूर देखिएगा, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको वन अधिकारी को एप्लीकेशन लिखनी है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो दोस्तों इसी के साथ वीडियो को यही समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें, और खासकर ऐसे लोगों के साथ तुरंत शेयर करें जो भी घर बनवा रहे हैं या वह पेड़ कटवाने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों उन्हें भी इस तरह के कानून के बारे में पता होना चाहिए। तो मिलेंगे आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।